सब्सक्राइब करें टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इथेरियम की अपडेट के बारे में कि इथेरियम का क्या नेक्स्ट मूव रहने वाला है, ये डंप जाएगा या पंप करेगा। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा, कल ही मैंने इथेरियम का एक शॉर्ट की वीडियो बनाई थी जहाँ पर बताया था आप यहाँ से इसको शॉर्ट कर लो। उस वक्त प्राइस था करीब करीब $438 का या $436 के समथिंग होगा, और इसका प्राइस $371.72 तक भी गया, यानी बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया हमने यहाँ से। और बिटकॉइन का भी सेम मैंने यहाँ से बताया था $11,380 $400 पे, और ये देखिए कितना $9,901 तक जाता है। यहाँ पर इन दोनों वीडियो से अगर जिसने भी देख कर ट्रेडिंग ली होगी तो बहुत ही बम्पर प्रॉफिट के अंदर रहा होगा। तो अब जो मेरी ये वीडियो है ये इथेरियम को लेकर है, इथेरियम में हम क्या कर सकते हैं। और आपने देखी दोस्तों, अब अगर मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे रहा है, उसे स्कैन करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जिसमें आपको फ्री क्रिप्टोकरेंसी के सिग्नल्स दिए जाते हैं, तो सिंपली मैं लेकर चलता आपको अपने ईथर USDT के चार्ट पर। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इस वक्त है और इस वक्त करंट प्राइस है 382.66। तो यहाँ से क्या मार्केट हो सकती है देखिए, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं 25 अगस्त को, फिर हम चलते हैं थोड़ा 27 अगस्त को, फिर ये 4 सितंबर को, यानी कि बार बार यहाँ पर आप थोड़ा पीछे चलते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे करीब करीब 12 अगस्त को, और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे करीब करीब अब 7 अगस्त को, और यहाँ पर भी हम चलते हैं तो करीब करीब 1 अगस्त को, यानी कि एक महीने में काफ़ी बार यहाँ पर ये टेस्ट हुआ है करीब करीब 362 तो मैं अब यहाँ पर लेकर चलता हूँ वापस आपको। और ये देखिए यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन गया है, जो यहाँ पर इसने इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से फिर ये अगेन बाउंस बैक हुआ है। तो अगर हम अगेन बाउंस बैक का रेशो देखते हैं तो काफ़ी अच्छा बाउंस बैक हुआ था, 5 से 6%, 5.5% का हुआ था। तो अगर किसी ने 5x 10x लेवरेज ली होगी तो वो बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर रहा होगा। और अभी मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो BTC की भी देने वाला हूँ। तो अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, तो अभी देखिए, अभी यहाँ पर देखिए आपको एक यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ नीचे बिलो में भी है, तो यहाँ पर ये डबल ट्रेंड लाइन सपोर्ट पड़ रहा है इसको। तो आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, यहाँ पर आप देख सकते होंगे एक ब्लैक लाइन है और नीचे इसके एक रेड लाइन है, और अगर बिलो की बात करते हैं तो यहाँ पर एक वाइट ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, और सबसे नीचे आपको एक ग्रीन जो 363 ये आपका स्टॉप लॉस भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी प्रेजेंटली हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैं भी आपको 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी लेकर चलता हूँ। तो मेरी जो पोजीशन इस वक्त लॉन्ग की पोजीशन मेरी यहाँ पर ओपन है, तो मैं आपको अपनी लॉन्ग की पोजीशन दिखा देता हूँ कहाँ गई यहाँ। तो देखिए ईथर का आपको दिखाई दे रहा होगा 377 से 386 और 382 की बाइंग हो चुकी है हमारी। इस वक्त करंट प्राइस 384 का था जिस वक्त ये सिग्नल दिया गया, 380 मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए इसने 382 के समथिंग इसने टच कर लिया है, और हम चलते हैं ये सिग्नल जब कब दिया गया था ये भी देख लेते हैं, 10:25 दिया गया था ये, और अभी टाइम है ठीक 2 घंटे बाद का, यानी कि हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी हिट भी हो चुका है, 388.5 समथिंग का हो चुका है हमारा हिट, और इसके बाद हमें स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी यूज करनी है। जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हमेशा जानते हैं कि इसमें मैं हमेशा ईथर में कितने डॉलर अबो या बिलो पर हमेशा स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी यूज करने के लिए बोलता हूँ, तो वो अभी भी प्रॉफिट में होंगे और दोबारा से उन्होंने इसके अंदर एंट्रीज ले भी ली होगी। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर करना क्या चाहिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे पोजीशन ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं, और इसकी रेंज जो रहेगी 377 से लेकर 382, अभी करंट प्राइस चल रहा था 382 के बीच में ले सकते हैं अबो साइड में। और आप अगर स्पोर्ट पोजीशन में जाना चाहते हैं तो फिर कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, पर अगर आप लॉन्ग पोजीशन में जाना चाहते हैं तो 3x से 5x सफिशियंट है, और आइसोलेटेड मार्जिन मिले, क्रॉस मार्जिन मिला ले, पता चला जो भी वैलेट के अंदर फंड है क्योंकि मैनिपुलेशन हुई तो सब कुछ चला जाएगा। और इसका स्टॉप लॉस हम कहाँ यूज करेंगे, 372 $10 ठीक नीचे 372 का स्टॉप लॉस यूज करेंगे हम। अगर आपने अभी एक बार में पोजीशन नहीं लेनी है, मान के चलते हैं 382 है प्राइस, तो आप 380 पे भी बाइंग कर लीजिए, थोड़ी सी 377 पे भी बाइंग कर लीजिए, 2-3 पार्ट्स में बाइंग कर लीजिए, और उसके बाद फिर
आप वो साइड के लिए देखिएगा। और पार्ट्स में और 372 का स्टॉप लॉस यूज करना बहुत जरूरी है, फंड यूज करना आपको सिर्फ 5%। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अभी इस प्राइस के हिसाब से 386, देन हमारा है 390, और इसके बाद हमारा फिर सीधा 400। यहाँ पर मैंने उनको भी हाईलाइट नहीं किया, 400 है, मैंने इसको भी हाईलाइट नहीं किया है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो एक आपको यहाँ पर एक स्टॉप वो है आप रेजिस्टेंस है 400 के बाद 410 420, इसी हिसाब से देख सकते हैं। बाकी आपके स्पोर्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, मैंने आपको एक वर्बली मोटा मोटा आपको रेजिस्टेंस बता दिया है, टारगेट बता दिया, यानी कि हमारा जो पहला टारगेट है 386 का, अब इस करंट प्राइस से लॉन्ग वालों के लिए 3x 5x वालों के लिए, और उसके बाद हमारा फिर 390, फिर हमारा 400, और 400 के बाद 410 420 डॉलर तक का हम इसमें टारगेट्स रखने वाले, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 372 का 5x लेवरेज के साथ 5% फंड के साथ। यानी कि अगर अपने 5% फंड, अगर आपके पास मान के चलते $1000 है और आपने 5% फंड यूज किया है, इट मींस आपका हो गया करीब करीब $50 हो गए। और आपने अगर उसको 5x से यूज किया, यानी कि आप $250 के हिसाब से ट्रेड करेंगे, तो ये अच्छा मामला रहने वाला है। अगर आपने 10% भी प्रॉफिट लिया तो भी आप $25 ईजिली लेकर जाएंगे, और अगर आपने अगर इससे ऊपर प्रॉफिट लिया, यानी कि 20% प्रॉफिट लिया, तो इसके हिसाब से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये है कुछ, इस हिसाब से इसको चेंज करते जाइएगा, और हर जैसे जैसे पहला टारगेट हिट होता जाए उसके बिलो टारगेट पर अपना स्टॉप लॉस एक्सटेंड करते जाइए। यानी अगर आप लॉन्ग करेंगे तो हर $5 से $6 नीचे, $5 नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते जाएंगे, ताकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ताकि आपको प्रॉफिट या कोई नुकसान ना हो आपको, अगर मार्केट में मैनिपुलेशन होती भी है तो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, वीडियो पर नए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।